दोस्तों, अगर आप रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन की सुपरहिट मूवी ब्रह्मास्त्रा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल फिल्मी वर्ल्ड पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्रह्मास्त्रा। ये फिल्म कौन सी है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस फिल्म के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही हम इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, फिल्मिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इस फिल्म की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और इस फिल्म की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा इस फिल्म के फैक्ट्स, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से करेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मास्त्रा पार्ट वन शिवा 2022 की हिंदी जबान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इशराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजाद खुद एक अस्टरवेस के उन्यान पर एक सिनेमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है, जो पायरोकांटेक ताकतों के साथ एक यतीम है जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत ब्रह्मास्त्रा को तारीख कुवतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इशराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्रा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई, पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में COVID-19 वबाई अमराज की वजह से। फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मास्त्रा का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात, स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालय बाबाओं का एक गिरोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है
जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे ऑस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्र दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मास्त्र को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्त्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंश बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्त्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था, और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए हमला किया, जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है, लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है, जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्जे में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर असार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इनकशाफ कर सके, मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला, जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए, जहां आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहां शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदैन के बारे में मालूम के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ती होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है, रघु ने इनकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद अस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला, जिसने जलास्त्र को संभाला, उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी, जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्र के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनेश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अख्ज किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्टरा में एक शंख के खोल के बेस में है, जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी, जबकि रोज को भी मार डाला, जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मास्त्र को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मास्त्र को चालू करने की वजह से देव, जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था, वो रिहा हो गया। ब्रह्मास्त्र फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है, जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है।
जबकि वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहां पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की हिंदी जबान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इश्तराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजाद खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सिनेमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासिर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है, जो पायरो कांटेक ताकतों के साथ एक यतीम है, जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत ब्रह्मास्त्रा को तारीख कुवतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इश्तराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्रा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई। पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में COVID-19 वबाई अमराज की वजह से फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मास्त्रा का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात, स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालया बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्रा दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मास्त्रा को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्ट्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंश बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्ट्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है
जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मासरा के एक टुकड़े के लिए हमला किया जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्जे में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मासरा का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर आसार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इनकशाफ कर सके, मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए जहां आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मासरा का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहां शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदैन के बारे में मालूमात के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ती होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है, रघु ने इनकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद आस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला जिसने जलास्त्रा को संभाला, उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मासरा के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्रा के टुकड़े मोहन और अनेश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अक्स किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मासरा का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्टरा में एक शंख के खोल के बेस में है, जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मासरा के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी जबकि रोज को भी मार डाला, जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मासरा को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मासरा पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मासरा को चालू करने की वजह से देव, जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था, वो रिहा हो गया। ब्रह्मासरा फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है, जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मासरा पार्ट 1 शिवा 2022 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है।
जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इशराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजाद खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सैनमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासिर होकर फिल्म शिवर की पैरवी करती है, जो पायरो कांटेक ताकतों के साथ एक यतीम है जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत बरमासरा को तारीख कुवतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इशराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरार सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मसरा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई, पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से। फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मासरा का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वालेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात, स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालया बाबाओं का एक गिरोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मासरा दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मासरा को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्ट्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंश बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्ट्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मासरा के एक टुकड़े के लिए हमला किया, जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है, लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है, जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्ज़े में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मासरा का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर असार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है।
इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इंकशाफ कर सके, मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए जहां आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मासरा का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहां शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदेन के बारे में मालूमात के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ती होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है, रघु ने इंकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद आस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला जिसने जलास्त्रा को संभाला, उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी, जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्र के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अख्ज किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्टरा में एक शंख के खोल के बेस में है, जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी, जबकि रोज को भी मार डाला, जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मास्त्र को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मास्त्र को चालू करने की वजह से देव, जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था, वो रिहा हो गया। ब्रह्मास्त्र फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है, जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की हिंदी ज़बान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इश्तराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजात खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सिनेमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है।
इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासिर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है, जो पायरो कांटेक का ताकतों के साथ एक यतीम है जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत ब्रह्मास्त्रा को तारीख कुवतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इश्राक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरार सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्रा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई, पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से। फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मास्त्रा का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात, स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालया बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्रा दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मास्त्रा को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्ट्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंस बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्ट्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मास्त्रा के एक टुकड़े के लिए हमला किया, जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है, लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है, जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्ज़े में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मास्त्रा का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर असार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इनकशाफ कर सके, मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला, जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए, जहाँ आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मास्त्रा का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है
और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहां शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदैन के बारे में मालूमात के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ती होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए। और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है, रघु ने इंकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद आस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हामला जिसने जलास्त्रा को संभाला, उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी, जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्र के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनेश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अक्स किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्टरा में एक शंख के खोल के बेस में है, जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी, जबकि रोज को भी मार डाला, जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मास्त्र को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मास्त्र को चालू करने की वजह से देव, जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था, वो रिहा हो गया। ब्रह्मास्त्र फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है, जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की हिंदी ज़बान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इश्तराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजात खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सैनमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है, जो पायरोकांटेक ताकतों के साथ एक यतीम है, जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत ब्रह्मास्त्र को तारीख कुवतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इश्तराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासर थे।
इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरार सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फ़िल्म का नाम ब्रह्मसरा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई। पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से फ़िल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मासरा का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वालेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात, स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालया बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मासरा दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मासरा को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्ट्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंस बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्ट्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मासरा के एक टुकड़े के लिए हमला किया, जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है, लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है, जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्ज़े में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मासरा का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर असार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इनकशाफ कर सके, मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला, जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए, जहां आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मासरा का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहाँ शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदैन के बारे में मालूमात के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ते होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है,
रघु ने इंकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद अस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला जिसने जलास्त्रा को संभाला उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्रा के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्रा के टुकड़े मोहन और अनेश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अक्स किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्रा का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्टरा में एक शंख के खोल के बेस में है जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्रा के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी जबकि रोज को भी मार डाला जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया, लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मास्त्रा को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्रा पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मास्त्रा को चालू करने की वजह से देव जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था वो रिहा हो गया। ब्रह्मास्त्रा फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मास्त्रा पार्ट वन शिवा 2022 की हिंदी ज़बान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इश्तराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है जो बजाद खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सिनेमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासिर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है जो पायरोकांटेक ताकतों के साथ एक यतीम है जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत ब्रह्मास्त्रा को तारीख कुव्वतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है जो उसके साथ तारीख का इश्तराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्रा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई।
पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मास्त्रा का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालय बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्रा दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मास्त्रा को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्ट्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंस बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्ट्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मास्त्रा के एक टुकड़े के लिए हमला किया, जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है, लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है, जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्जे में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मास्त्रा का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर आसार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इनकशाफ कर सके, मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला, जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए जहां आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मास्त्रा का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहां शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदैन के बारे में मालूम के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ती होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है, रघु ने इनकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद आस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला, जिसने जलास्त्रा को संभाला, उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी, जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्रा के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्रा के टुकड़े मोहन और अनेश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अक्स किया कि वो दोनों बच गए।
ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के माइस्ट्रा में एक शंख के खोल के बेस में है, जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी जबकि रोज को भी मार डाला, जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मास्त्र को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मास्त्र को चालू करने की वजह से देव, जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था, वो रिहा हो गया। ब्रह्मास्त्र फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है, जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहां पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा 2022 की हिंदी ज़बान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इशराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजात खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सैनमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासिर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है, जो पायरोकांटेक ताकतों के साथ एक यतीम है, जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत ब्रह्मास्त्र को तारीख कुवतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इशराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरार सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई, पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से। फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मास्त्र का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के ज़रिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया।
ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात, स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालय बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्र दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मास्त्र को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्त्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंस बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्त्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए हमला किया, जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है, लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है, जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्ज़े में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर असार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इनकशाफ कर सके, मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला, जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए, जहां आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहां शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदैन के बारे में मालूम के लिए गुरु रघु के ज़रिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ते होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है, रघु ने इनकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद आस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला, जिसने जलास्त्र को संभाला, उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी, जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्र के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अक्स किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्टर में एक शंख के खोल के बेस में है, जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी, जबकि रोज को भी मार डाला, जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मास्त्र को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले
जुनून के बरहमासरा को चालू करने की वजह से देव जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था वो रिहा हो गया। बरहमासरा फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है, जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहां पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। बरहमासरा पार्ट 1 शिवा 2022 की हिंदी ज़बान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इशराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजात खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सैनमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासिर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है, जो पायरोकांटेक ताकतों के साथ एक यतीम है, जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत बरहमासरा को तारीख कुवतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इशराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम बरहमासरा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई, पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से। फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। बरहमासरा का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात, स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है।
इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालय बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्र दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मास्त्र को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्त्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंश बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्त्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए हमला किया, जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है, लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है, जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्जे में मोहन ने इंकशाफ किया कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर असार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इंकशाफ कर सके, मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला, जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए, जहाँ आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहां शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदैन के बारे में मालूम के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ती होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है, रघु ने इंकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद आस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला, जिसने जलास्त्र को संभाला, उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी, जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्र के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अक्स किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्टर में एक शंख के खोल के बेस में है, जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी, जबकि रोज को भी मार डाला, जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मास्त्र को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मास्त्र को चालू करने की वजह से देव, जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था, वो रिहा हो गया। ब्रह्मास्त्र फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नजर आएंगे।
प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है, जबकि सेमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो स्टार स्टूडियोज, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की हिंदुस्तानी जबान हिंदी जबान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इशराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजाद खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सिनेमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासिर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है, जो पायरो कांटेक का ताकतों के साथ एक यतीम है, जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत ब्रह्मास्त्रा को तारीख कुवतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इशराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरार सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्रा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई, पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से। फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मास्त्र का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात, स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालया बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्र दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मास्त्र को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्ट्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंश बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्ट्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है।
मौजूदा मुंबई में शिवा जो एक डिस्क जॉकी है पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मासरा के एक टुकड़े के लिए हमला किया जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्जे में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मासरा का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर आसार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इनकशाफ कर सके मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए जहां आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मासरा का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है जहां शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदैन के बारे में मालूमात के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ती होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है रघु ने इनकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद अस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला जिसने जलास्ट्रा को संभाला उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्र के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अक्स किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्टरा में एक शंख के खोल के बेस में है जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी जबकि रोज को भी मार डाला जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मास्त्रा को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्रा पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मास्त्रा को चालू करने की वजह से देव जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था वो रिहा हो गया। ब्रह्मास्त्रा फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है जबकि सेमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया है।
इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा 2022 की हिंदी जबान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इश्तराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजाद खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सिनेमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है, जो पायरो कांटेक का ताकतों के साथ एक यतीम है, जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत ब्रह्मास्त्र को तारीख कुवतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इश्तराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई, पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में COVID-19 वबाई अमराज की वजह से। फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मास्त्र का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात, स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालया बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्र दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मास्त्र को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्ट्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंश बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्ट्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए हमला किया,
जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है, लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है, जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्जे में मोहन ने इंकशाफ किया कि ब्रह्मासरा का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर आसार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इंकशाफ कर सके, मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला, जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए जहां आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मासरा का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहां शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदैन के बारे में मालूमात के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ती होने वाले रानी रवीना और शेर और तंजंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है, रघु ने इंकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद आस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला जिसने जलास्त्रा को संभाला, उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी, जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्र के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अख्ज किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्टरा में एक शंख के खोल के बेस में है, जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी, जबकि रोज को भी मार डाला, जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मासरा को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मासरा पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मासरा को चालू करने की वजह से देव, जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था, वो रिहा हो गया। ब्रह्मासरा फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है, जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मासरा पार्ट वन शिवा 2022 की हिंदी ज़बान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन में
प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इशराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजाद खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सैनमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासिर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है, जो पायरो कांटेक का ताकतों के साथ एक यतीम है जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत बरमासरा को तारीख कुवतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इशराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरार सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मसरा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई, पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से। फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मासरा का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वालेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात, स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालया बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मासरा दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मासरा को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्ट्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंस बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्ट्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मासरा के एक टुकड़े के लिए हमला किया, जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है, लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है, जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्जे में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मासरा का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर असार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है, इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इनकशाफ कर सके। मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला।
जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए जहां आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मासरा का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहां शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदेन के बारे में मालूमात के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ती होने वाले रानी रवीना और शेर और तंजंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए। और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है, रघु ने इंकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद अस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला, जिसने जलास्त्रा को संभाला, उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी, जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्र के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अक्स किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्टर में एक शंख के खोल के बेस में है, जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी, जबकि रोज को भी मार डाला, जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मास्त्र को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मास्त्र को चालू करने की वजह से देव, जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था, वो रिहा हो गया। ब्रह्मास्त्र फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है, जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा 2022 की हिंदी ज़बान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इश्तराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजात खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सैनमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है, जो पायरोकांटेक ताकतों के साथ एक यतीम है, जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है।
बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत ब्रह्मास्त्रा को तारीख कुव्वतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इश्राक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरार सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फ़िल्म का नाम ब्रह्मास्त्रा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई। पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से फ़िल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मास्त्रा का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वालेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालया बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्रा दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मास्त्रा को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्ट्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंस बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्ट्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मास्त्रा के एक टुकड़े के लिए हमला किया, जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है, लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है, जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्ज़े में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मास्त्रा का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर आसार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इनकशाफ कर सके, मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला, जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए, जहां आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मास्त्रा का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहां शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्रा का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला।
आश्रम में वह दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदेन के बारे में मालूमात के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ते होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और शिव भी आग पर काबू पाता है। जनून जैसे ही इनके करीब आता है, रघु ने इंकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद आस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला जिसने जलास्त्रा को संभाला, उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी, जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्रा के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्रा के टुकड़े मोहन और अनेश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अक्स किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्रा का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्टरा में एक शंख के खोल के बेस में है, जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्रा के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी जबकि रोज को भी मार डाला, जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मास्त्रा को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्रा पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मास्त्रा को चालू करने की वजह से देव, जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था, वो रिहा हो गया। ब्रह्मास्त्रा फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है, जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मास्त्रा पार्ट वन शिवा 2022 की हिंदी ज़बान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इशराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजाद खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सिनेमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है, जो पायरोकांटेक ताकतों के साथ एक यतीम है, जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत ब्रह्मास्त्रा को तारीख कुवतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इशराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा।
इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मसरा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई। पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मास्त्रा का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वालेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात, स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली, जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालया बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्रा दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मास्त्रा को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्ट्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंस बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्ट्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मास्त्रा के एक टुकड़े के लिए हमला किया, जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है, लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है, जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्ज़े में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मास्त्रा का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर आसार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इनकशाफ कर सके, मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला, जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए, जहां आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मास्त्रा का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहां शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदैन के बारे में मालूम के लिए गुरु रघु के ज़रिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ते होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है, रघु ने इंकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद आस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था।
अमृता देव के बच्चे के साथ हमला जिसने जलास्ट्रा को संभाला उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्रा के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्रा के टुकड़े मोहन और अनेश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अख्ज किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्रा का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्ट्रा में एक शंख के खोल के बेस में है जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्रा के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी जबकि रोज को भी मार डाला जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया, लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मास्त्रा को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्रा पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मास्त्रा को चालू करने की वजह से देव जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था वो रिहा हो गया। ब्रह्मास्त्रा फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मास्त्रा पार्ट 1 शिवा 2022 की हिंदी ज़बान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इश्तराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है जो बजाद खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सिनेमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है जो पायरोकांटेक ताकतों के साथ एक यतीम है जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत ब्रह्मास्त्रा को तारीख कुव्वतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है जो उसके साथ तारीख का इश्तराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्रा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई, पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है।
410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मास्त्रा का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वालेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालया बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्रा दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मास्त्रा को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्ट्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंश बन जाते हैं जो दुनिया को आस्ट्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा जो एक डिस्क जाकी है पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मास्त्रा के एक टुकड़े के लिए हमला किया जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्ज़े में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मास्त्रा का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर असार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इनकशाफ कर सके मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए जहां आश्रम वाकया है जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मास्त्रा का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है जहाँ शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्रा का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदैन के बारे में मालूमात के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ती होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है रघु ने इनकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद आस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला जिसने जलास्त्रा को संभाला उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्रा के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्रा के टुकड़े मोहन और अनेश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अक्स किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्रा का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्त्रा में एक शंख के खोल के बेस में है जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्रा के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया।
शिव ने जुनून को शिकस्त दी जबकि रोज को भी मार डाला, जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मासरा को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मासरा पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मासरा को चालू करने की वजह से देव, जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था, वो रिहा हो गया। ब्रह्मासरा फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है, जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो स्टार स्टूडियोज़, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहां पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। ब्रह्मासरा पार्ट 1 शिवा 2022 की हिंदी ज़बान की एक फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने लिखा है और हदायतकारी की है। इसे करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा और मुखर्जी ने तैयार किया है। अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनियों में धर्मा प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत रणबीर कपूर और मुखर्जी डिसोजा के साथ स्टार स्टूडियोज़ के इश्तराक से ये फिल्म एक मनसूबा बंद तसलीद की पहली किस्त के तौर पर काम करती है, जो बजाद खुद एक अस्टरवेस्ट के उन्वान पर एक सिनेमा कायनात का हिस्सा बनने का मनसूबा है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी राय और नागार्जुन एकनिनी शामिल हैं। हिंदू अफसानों की कहानियों से मुतासिर होकर फिल्म शिवा की पैरवी करती है, जो पायरोकांटेक ताकतों के साथ एक यतीम है, जिसे पता चलता है कि वो एक आस्ट्रा है, बहुत ज़्यादा तवानाई का हथियार है। वो आस्ट्रा इसके साथ मजबूत ब्रह्मासरा को तारीख कुवतों के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो उसके साथ तारीख का इश्तराक करती है। इस फिल्म का तसव्वुर मुखर्जी ने 2011 में पहली बार बनाया था, जिसकी बुनियादी अनासर हिंदुस्तानी तारीख और बचपन में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर थे। इसकी तरक्की पहली बार जुलाई 2014 में 2016 के लिए एक मनसूबाबंद रिलीज़ के साथ सामने आई थी, लेकिन जौहर की तरफ से इसका सरकारी ऐलान सिर्फ अक्टूबर 2017 में आएगा। इब्तदाई तौर पर इस फिल्म को ड्रैगन का नाम दिया गया था। इस ऐलान से यह भी इंकशाफ हुआ कि फिल्म का नाम ब्रह्मासरा होगा और इसके दो सीक्वल होंगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक 5 साल तक जारी रही, जिसमें फिल्म बंदी के मकामात बशमूल बल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, एडिनबरा, थाईलैंड, मंडाली, मुंबई और वानसी शामिल हैं। फिल्म की तैयारी और रिलीज़ में मुतद्दद बार ताखीर हुई, पहले प्रोडक्शन में ताखीर और मालियाती रुकावटों की वजह से और बाद में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से। फिल्म का स्कोर साइमन फ्रैंकलिन ने तरतीब दिया है, जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम ने तरतीब दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। 410 करोड़ रुपए के तखमीना बजट पर तैयार गई ये सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है और रिलीज़ के वक्त सबसे महंगी मुकम्मल फिल्म है। ब्रह्मासरा का पहला हिस्सा शिवा थिएटर में 9 सितंबर 2022 को मियारी फॉर्मेट्स पर 3D, 3D IMAX और 3D और 4DX हिंदुस्तान स्टार स्टूडियोज़ और वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स के जरिए दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। ये डिज्नी के जरिए 21वीं सेंचुरी फॉक्स के हसूल के बाद स्टार स्टूडियोज़ के नाम से जारी होने वाली पहली प्रोडक्शन है। फिल्म को इसके बसरी असरात, स्कोर और एक्शन सीक्वेंस की वजह से पजीराई मिली।
जबकि तनकीद का रुख ज़्यादातर कहानी और मुकालमों की तरफ था। रिलीज़ होने पर इसने हिंदी फिल्म के लिए वबाई के दौर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 सितंबर 2030 तक फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की, जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का सीक्वल 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो कदीम हिंदुस्तान में हिमालय बाबाओं का एक ग्रोह तवानाई बरहम शक्ति से टकराता है, जो अजीम ताकत के बहुत से आसमानी हथियार तैयार करता है, जिसे आस्ट्रा कहते हैं। इनमें सबसे मजबूत ब्रह्मास्त्र दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बाबा गैर मुस्तकिम ब्रह्मास्त्र को काबू करने के लिए अपने मुतलका आस्त्रों का इस्तेमाल करता है और ब्रह्मेंश बन जाते हैं, जो दुनिया को आस्त्रों की ताकतों से बचाने के लिए एक खुफिया मुआशरा है। मौजूदा मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जाकी है, पहली नज़र में लंदन की रिहायशी एशिया चटर्जी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जो अपने दादा के पिंडाल में दरगाह पूजा के त्यौहार के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रही है। जल्द ही ईशा इसके लिए अपने जज्बात का जवाब देती है। शिव ने उसे बताया कि वो एक यतीम है जो अपने माँ बाप को कभी नहीं जानता था और उसकी माँ उस वक्त आग में मर गई जब वो बच्चा था। दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मेश के रुकन में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार को ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए हमला किया, जिसकी वो हिफाजत करता है। मोहन व आसरा का इस्तेमाल करते हुए जवाबी जंग करता है, लेकिन आखिरकार जुनून के जेरे असर हो जाता है, जो फिर इसरार देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्ज़े में मोहन ने इनकशाफ किया कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा काशी में एक फनकार और माहिर असार कदीमा में अनेश शेट्टी के पास महफूज है। इससे पहले कि वो ब्रह्मेश आश्रम के मौजूदा मकाम और ग्रोह का इनकशाफ कर सके, मोहन खुदकुशी कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मिलने का नज़ारा है। वो और ईशा अनीश को मुंतरबा करते हैं कि काशी की तरफ रवाना हुए, लेकिन रफ्तार ने उसमें खलल डाला, जो अब मोहन के वाना रास्ता को चलाता है। शिवा और ईशा के साथ फरार होने से पहले अनीश ने नंदी आसरा का इस्तेमाल करते हुए उसे शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश जाते हुए जहां आश्रम वाकया है, जुनून और जोर ने एक ट्रक में उनका पीछा किया। अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिर्फ मारा जाए। शिव और ईशा का ताकब रफ्तार के जरिए आश्रम तक किया जाता है, जहाँ शिवा ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्नियास्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला। आश्रम में वो दूसरे आस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने वालदैन के बारे में मालूमात के लिए गुरु रघु के जरिए ब्रह्मश में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। वो दूसरे नए भर्ती होने वाले रानी रवीना और शेर और तनसंग से मिलता है, जो सभी को रघु की ने तरतीब दी है कि अपने अपने अस्त्रास को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और शिव भी आग पर काबू पाता है। जुनून जैसे ही इनके करीब आता है, रघु ने इनकशाफ किया कि शिव साबिक ब्रह्मेश अरकान देव और अमृत्या का बेटा है। देव ने दर हकीकत ब्रह्मास्त्र को जगाया, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो एक ही वक्त में मुतद्दद आस्त्रों को कंट्रोल करने के काबिल था। अमृता देव के बच्चे के साथ हमला जिसने जलास्त्र को संभाला, उसे एक दूर दराज जजीरे पर एक जंग में शिकस्त दी और वो दोनों बज़ाहिर जंग में मारे गए। अमृता की कश्ती जंग में खंडरात में पाई गई थी, जिससे जजीरे से वापस लाया गया। ब्रह्मास्त्र के दो टूटे हुए टुकड़ों के साथ ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीश दोनों को दिए गए। तीसरा टुकड़ा लापता समझा जाता था। अमृता ने यह नतीजा अक्स किया कि वो दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमेरिका के मास्टर में एक शंख के खोल के बेस में है, जिसे शिव अनजाने में अपने खोल खून के कतरे शिव शंख पर गिरने के बाद छोड़ देता है। जुनून और उसकी फौज ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंची और सबको यरगमाल बना लिया। शिव ने जुनून को शिकस्त दी, जबकि रोज़ को भी मार डाला, जिसने नंदरी आसरा को संभाला और सबको छोड़ दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो गया। उसने बज़ाहिर ब्रह्मास्त्र को चालू करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तबाही शुरू हो जाती है और ईशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा ने अपनी ईशा की हिफाजत से पैदा होने वाली नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके साथ दोबारा मिल गया। क्रेडिट से पहले जुनून के ब्रह्मास्त्र को चालू करने की वजह से देव, जो एक नामालूम जजीरे पर मुजस्मे के तौर पर कैद था, वो रिहा हो गया। ब्रह्मास्त्र फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म की राइटर भी अयान मुखर्जी हैं।
इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर, अपूर्वा मेहता, निमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मुखर्जी डिसोजा और अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मुनी रॉय और नागार्जुना अकिनी आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। प्रकाश कौरप ने इस फिल्म को एडिट किया है जबकि सैमन फरेंगेन ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो स्टार स्टूडियोज, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, जबकि वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 167 मिनट है। इस फिल्म को हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 304 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर 88,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। तो दोस्तों, ये था ब्रह्मास्त्र मूवी का रिव्यू और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।